हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक टोनर शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, वो है नीम तुलसी टोनर। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि आप लोग इस टोनर का रिव्यू देखना चाहते हैं, मतलब मैंने किस तरह से रिव्यू नहीं, एक्चुअली आप देखना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से इसको बनाया हुआ है, किस तरह से यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्ने वगैरह हैं, पिम्पल हैं, अगर आपको छोटे मोटे दाने वगैरह हो रहे हैं फेस पर, तो ये जेल ना बहुत ही जेल क्या टोनर बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है फ्रेंड्स। और ये इतना अच्छा टोनर है कि आप खुद पता चल जाएगा कि मैंने इसको किस लिए बनाया है। और अगर आपके पास, जैसे अगर आप लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, तो DIY टोनर आप बना सकते हो डेफिनेटली। और अगर आप लोग खरीद सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, गुड वाइब्स का मिल जाता है। बहुत ही अच्छा टोनर है, वो भी मैंने यूज़ कर रखा है, बट वो मेरा ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा चलिए ये वाला बनाकर देखती हूँ, यूज़ करके देखती हूँ फ्रेंड। तो वही वर्क कर रहा है जो कि वो टोनर अच्छा वर्क कर रहा था, ऐसे ही ये वाला टोनर भी बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट दिया है। तो आपके जो ओपन पोर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उसको ये कवर करता है टोनर, जो भी होते हैं आपके। अब जब आप फेस को वॉश करते हैं उसके बाद आप टोनर अप्लाई ज़रूर करिए, कोई भी टोनर। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो गुलाब जल, या फिर मतलब गुलाब जल कोई भी कंपनी का आपका चलेगा, चाहे तो डाबर का लगाइए, चाहे BLCC का लगाइए, जो आपके पास अवेलेबल हो। मतलब कि आपको एक गुलाब जल, मतलब रोज़ वाटर रखना ही रखना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन को एकदम क्लीन एंड आपकी स्किन पे जितने भी दाग धब्बे होते हैं और ओपन पोर्स होते हैं वो श्रिंक कर देता है उनको। इस वजह से आपको इस तरह के टोनर्स वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए, चाहे आप कोई भी टोनर इस्तेमाल कर सकते हो आप। कम और गुड वाइब्स का हो या फिर बायोटिक का है, बहुत सारे टोनर हैं, तो आप यूज़ करके देखिए। वैसे बहुत से लोग यूज़ भी करते होंगे, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसका रिव्यू एंड डेमो फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मैं कितनी बार बोलती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे ना फ्रेंड्स, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा न्यू वीडियो का, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो आप लोग चलिए फटाफट से देख लीजिए इसका रिव्यू एंड डेमो। और टोनर मैंने बहुत ही, और इसमें जो स्मेल है ना, बहुत ही अमेजिंग आ रही है फ्रेंड्स। तो और हाँ फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ आपको कि अगर आपके पास नहीं है कोई भी नीम तुलसी जेल नहीं है गुड वाइब्स का, तो आप जो आते हैं ना पत्ते होते हैं, जो नीम के पत्ते होते हैं, तुलसी के पत्ते होते हैं, तो आप उसको पानी में बॉईल कर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए इस टोनर को मैंने किस तरह से बनाया है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, तो इजी वे में बना लिया है मैंने। तो ये सारी चीज़ें आपको घर में ही अवेलेबल हो जाएंगी और सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो फटाफट से देख लीजिए मैंने किस तरह से इसको बनाया हुआ है। तो गाइस, आज मैं टोनर बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैं लूँगी, एक क्लीन बाउल ले लिया है मैंने, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर। और आप इसमें वो वाला जो पानी होता है ना पीने वाला, एक्वा वाला, वो वाला भी डिस्टिल वाटर या फिर ले सकते हो, जो भी। तो मैंने लिया है इसमें रोज़ वाटर फ्रेंड्स। तो ये जो बॉटल है वो गुड वाइब्स की है, बट इसमें मैंने रोज़ वाटर ही रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो इसके बाद मैं लूँगी, ये है जेल, ये है गुड वाइब्स का जेल फ्रेंड्स, और ये है नीम तुलसी जेल फ्रेंड्स। और इसका ये टोनर मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये ज़रूर बनाना चाहिए। और अगर आपके पास ये वाला जेल नहीं है, तो आप तुलसी के पत्ते ले सकते हो और नीम के पत्ते ले लीजिए, और आप उसको जार में ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद आप अच्छे से पानी में, मतलब बॉइल्ड कर लीजिए बहुत ज़्यादा, जब थोड़ा पानी बचे ना, आधा मतलब हाफ वन ग्लास में डालिए और हाफ पानी बचे, तब आप इसमें छान के और आप यूज़ कर सकते हो, उसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो फ्रेंड, अगर आपके पास ये जेल नहीं है तो। अगर आपके पास ये जेल है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी देखिए मेरा पूरा रखा हुआ है, अभी मैंने दो बार बनाया हुआ है और मैं फिर से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये आपकी जो आपकी फेस पे अगर एक्ने वगैरह हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है फ्रेंड। तो ये मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं बॉटल में, स्प्रे बॉटल में आप रख लीजिए आपके पास जो भी हो। मेरे पास ये डाबर गुलावरी की है, तो मैं इसमें रख लूँगी। तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको।
मिक्स करने के बाद उसमें भर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने इस टोनर को किस तरह से बनाया है, किस तरह से इसको यूज़ करना है। और अगर आपके पास फ्रेंड नहीं है कोई भी चीज़, अगर आपके पास इस तरह का जेल नहीं है गुड वाइब्स का, तो आपको क्या यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी आपको बता दूंगी, क्योंकि ये टोनर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है फ्रेंड। तो आपको ये टोनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स में तो आपको थोड़े बहुत दाने वगैरह हो सकते हैं, किसी किसी को होते हैं, सबकी स्किन पे नहीं होते हैं बट किसी किसी को होते हैं फ्रेंड्स। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है ये वाला टोनर जो मैंने बनाया हुआ है। और ये फ्रेंड्स इतना अच्छा है, इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है कि आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैंने इस जेल से बनाया हुआ है, इस वजह से इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आ रही है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई तो चीज़ इसमें कुछ फ्रेगनेंस डाली हुई है, नहीं तो ये उस तरह का नहीं होता। क्योंकि नीम की तो जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी कड़वाहट होती है उसमें, लेकिन टेस्ट इसका कड़वा कड़वा सा ही है। मैंने इसको थोड़ा सा लिप्स पर लग गया तो मैंने इसको नज़र के देखा था तो मुझे पता चला कि ये थोड़ा सा कड़वा है। तो मतलब है तो ये, वैसे आप लोग भी जानते हो कि गुड वाइब्स वाले बहुत अच्छे से प्रोडक्ट बनाते हैं, मुझे उनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं, बहुत अच्छे अच्छा वर्क भी करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और लाइक करके ही जाइए, और शेयर कर लीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी जरूर हिट कर लीजिएगा। और जैसे ही आप हिट करोगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, और आप चेकआउट कर सकते हो तो आपसे मिस नहीं होगा मेरा न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स मैं क्या कह रही थी, चलिए वो छोड़िए, वो आप कर लीजिएगा। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं और जानना चाहती थी कि अगर आप लोगों की मैरिज होने वाली है, आप में से किसी की भी मैरिज होने वाली है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ अगर आपकी मैरिज होने वाली है तो मैं बहुत ही अच्छे अच्छे आपको जो फेस पैक होते हैं वो आपको बता सकती हूँ। मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे DIY जो फेस पैक होते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वर्क करते हैं, क्योंकि जो एज होती है ना वो उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, जिस टाइप पे मैरिज होती है उस टाइप पे। और आप खुश बहुत होते हो तो वैसे भी ग्लो करते ही हो, लेकिन आप ऑनेस्टली बताऊँ तो वैसे भी खुश तो रहते ही हैं, तो अंदर से तो खुशी लगती है, थोड़ी सी डर भी होता है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी होती है, लेकिन कुछ भी होते हैं कि हाँ शादी हो रही है तो किस तरह से तैयार होना है, क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब वो रहता है कि किस तरह से तैयार होंगी, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो अगर आप लोग किसी भी तरह के सजेशन चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताऊँगी मैं आप लोगों के साथ, शेयर ज़रूर कर लूँगी वीडियो। तो अगर आप चाहें तो मुझे ज़रूर बता सकते हो। तो और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग बॉडी पॉलिशिंग ज़रूर करिए, अगर आपकी मैरिज होने वाली है अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपकी मैरिज फरवरी तक है तो आपको अभी से ही ट्राई करने चाहिए, बॉडी पॉलिशिंग करते रहने चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम क्लीन और शाइनी होनी चाहिए, ग्लो दिखना चाहिए आपकी बॉडी पर, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देगा अगर आप अभी से करोगे तो। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि वो मेरे लिप शेड जानना चाहती थी, जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था वो वाला शेड जानना चाहती थी। तो मैंने कल NYV का लिप क्रियोन यूज़ किया था उस वाले वीडियो में, तो NYV का लिप क्रियोन था और शेड नंबर 1 था मेरा क्वींस चॉइस, तो आपको वो वाला मिल जाएगा अगर आप चाहें तो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने NYV का जितने भी मेरे पास हैं क्रियोन्स वगैरह, तो मैं उसके आपके साथ शेयर करूँ जो मेरे पास शेड है, तो मैं ज़रूर कर लूँगी अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो। तो अब और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाती हूँ, अब चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो टिल देन, बाय 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 फ्रेंड्स, लव यू फ्रेंड्स।